नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज अपने विधायकों और सांसदों की अहम बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में जेएमएम के तमाम विधायक और सांसद शामिल हुए। जेएमएम सुप्रीमो शिबु सोरेन की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। यह बैठक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बुलाई गई थी। कल यानी 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है और ऐसे में जेएमएम ने एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है। लिहाजा जेएमएम ने अपने विधायकों और सांसदों को द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद शामिल है, लेकिन कांग्रेस यूपीए प्रत्याशी को समर्थन कर रही है जबकि जेएमएम एनडीए प्रत्याशी को समर्थन कर रहा है, जिससे गठबंधन के अंदर भी उहापो की स्थिति बनी हुई है। विशेषकर कल के मतदान को लेकर ही आज पार्टी की बैठक बुलाई गई थी और इस संबंध में जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के एक प्रशिक्षण भी था, वो प्रशिक्षण हुआ। कल सभी एक साथ जाएंगे मतदान करने के लिए। कुछ टाइमिंग वगैरह बताया गया? टाइमिंग कुछ ऐसा तय नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि आज शाम तक सभी को सूचना आ जाएगी समय को लेकर के कितने बजे। कल यशवंत सिन्हा भी आए थे मिलने के लिए, उस विषय पर कुछ? वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतर बता सकते हैं, चूँकि हम बेहतर व्यक्तिगत रूप से वहाँ उपस्थित था नहीं कि क्या बातें हुई नहीं बातें हुई। प्रत्याशी हैं तो प्रत्याशी सभी प्रचार के लिए सभी जगह पे जाते हैं, वो अपने और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए यहाँ भी उपस्थित हुए थे। किस टाइप का प्रशिक्षण हुआ, क्या डेमो हुआ, मॉक पोल? वही जो एक साधारण प्रक्रिया के तहत में जब मतदान की प्रक्रिया को बताया जाता है कि किस तरीके से वोटिंग करना है ताकि अपना मतदान किसी भी तरीके से वेस्टेज ना हो, उसको लेकर के प्रशिक्षण हुआ। जेएमएम का मत किसके तरफ जा रहा है वो ये मुझे बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आपने देखा हमारे माननीय गुरुजी ने के निर्देश सभी माननीय विधायकों को मिल गया, उसकी जानकारी आप लोगों को भी है कि हमारे सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय सांसदगण, माननीय सभी विधायकगण, सभी जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको सभी उनके पक्ष में मतदान। आज तो राष्ट्रपति चुनाव की ही चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी रांची से ही करेंगे और मैं और हमारे आदरणीय गुरुजी शिबु सोरेन जी और साथ में विजय हंसदा जी माननीय सांसद, हम तीनों दिल्ली में ही करेंगे। पार्लियामेंट में कल मेरा शपथ ग्रहण भी है और कल मॉनसून सेशन भी स्टार्ट हो रहा है और साथ साथ राष्ट्रपति चुनाव भी है, तो तीनों हम लोग करेंगे। हम लोग सुबह सुबह गुरुजी के आवास में जाएंगे दिल्ली, आज ही जा रहे हैं रांची से दिल्ली, कल उनके आवास में जाएंगे और साथ में हम लोग तीनों जाएंगे पार्लियामेंट। आरोप चटर्जी की अरेस्टिंग हुई है, क्या ये मानते हैं कि चौथे स्तंभ पे हमला है? ये तो मैं अभी इस बारे में पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, मैं आज के दिन में खास तौर पर ये नहीं बताना चाहती। देखिए, कल का जो है चुनाव, जो पार्टी अध्यक्ष गुरुजी को जो अधिकृत कर दिया गया था और जो निर्णय लिया है जिस किसको देना है, वो आज हम लोग को उसको सबको आज बीच में उसको सहमत हो गया है। कोई ट्रेनिंग वगैरह भी दी गई कैसे वोटिंग करनी है? ना, वो सब तो होता ही है, नया नया हमारा विधायकगण है ना, उन लोग को भी बोला गया। दादा, आप लोग निर्णय पे कायम है क्योंकि कल यशवंत सिन्हा से भी मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री? ठीक है, मुलाकात तो होते रहेगा, लेकिन जो निर्णय है वही निर्णय है। ये चंपईदा न्यूज 11 के मालिक की अरेस्टिंग हुई है धनबाद में, क्या ये आप मानते हैं कि कोई सच खबर दिखाना अपराध है? देखिए, इस बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी भी होना चाहिए है ना, तब ना कुछ हम समझेंगे क्या बोलना है नहीं बोलना है, क्यों अरेस्ट नहीं हुआ है, क्या कारण है, उसका बाद बोलेंगे।